गाइस हम लोग सारे दर्शन वगैरह करके घर के लिए निकल गए थे और खाना हमें खाना था, तो वहाँ पे कोई भी डंका कुछ भी ढाबा वगैरह नहीं मिला। दुनिया भर का मतलब वो सब मिल रहा था, क्या कहते पापड़ी वापड़ी ये सब चीजें मिल रही थी, तो वो सब नहीं खाना था हमने। और थाली वाली वो सब अच्छा नहीं था, क्योंकि दिन में खाया था ना हमने, बहुत बेकार लग रहा था। तो अभी हम लोग पता है कहाँ है, दिल्ली जाने वाले हाईवे पे ही है वो, फरीदाबाद दिल्ली जाने वाले रास्ते पे पड़ता है वो। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे आए हम खाना खाने के लिए। अभी हम आए हैं अमृत सुखदेव 2.0, मतलब कि सुखदेव 2.0। सुखदेव का हम जो अमृत सुखदेव जाते हैं ना करनाल में, हम जो करनाल में जाते हैं ना अमृत सुखदेव, उसका छोटा भाई है ये। छोटा भाई भी नहीं, उसका नेबर बोलो, कुछ भी बोल दो, 2.0 है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं सुखदेव, ये वो सुखदेव नहीं है मूर्थल वाला। यहाँ बैठोगे? बाहर बहुत ठंड लग रही है, मेरा बेटा ना मान नहीं रहा है अंदर बैठने को। कर रहा है तो बाहर बैठने के लिए बोला तो बाहर बैठ रहे हैं ना हम लोग। इसमें से बताओ, इसमें से बताओ क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए, इसमें से बताओ क्या चाहिए। अंदर अच्छा खासा बैठे थे और बाहर ले आया है, इतनी ठंडी लग रही है बाहर। दाल, पनीर और दाल देख लो ना, कौन सा पनीर चाहिए इसको देखो ना। तू पहले हैंड वॉश करके आ, चल देख कैसे कर रहा है हरकत। अबे यार ऑर्डर दूंगा तो वो अपने आप लाएगा, वो वेटर नहीं, उसको बताएंगे ना ये ला दो भैया। अमृत सुखदेव पार्ट 2.0 में आए मुझे, हम लोग अमृत सुखदेव 2.0 में आए गए। ऊपर से पानी पी लिया एक तो भैया। पनीर दो प्याजा, एक दाल मखनी, एक दाल मखनी, दाल मखनी और स्प्रिंग रोल नहीं है। सो गाइस हमारा खाना आ गया है यहाँ पे, पनीर दो प्याज़ा और दाल मखनी और बटर रोटी और नान और स्प्रिंग रोल्स तो है नहीं, हमने नूडल्स मंगाया है। इस हम लोग सारे आ गए थे रात को और वहाँ पे ना बड़ी ठंड लग रही थी हाईवे पे ना, तो इसी वजह से ना मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं करी, क्योंकि ये इतना तंग करता है ना, इतना तंग करता है, मैं तो पागल हो गई। ये बैठा है ना ये नीली टी शर्ट में, इसने तो इतना परेशान करके रख दिया था ना भैया, ना मुझे खाना खाने दे रहा है ना क्या कहते हैं मुझे वॉशरूम जाने दे रहा है, इतना परेशान कर दिया था इसने मुझे, तो मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं करी। इसने ना इतना परेशान किया है भगवान, मैं तो पागल ही हो गई थी। फिर ना फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए, घर पे आ गए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थक गए थे। सुबह 5 बजे की उठी हुई थी मैं तो, और क्या कहते हैं वृंदावन में तो देखो मुझे अच्छा तो लगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी, अच्छा लगा था, मैंने अच्छा लगा मुझे। लेकिन बहुत 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 भीड़ होती है, लाइन वाइन कुछ भी नहीं लगवाते हैं वहाँ पे, लाइन भी तो लगवानी चाहिए ना, जैसे क्या नाम है लाइन वगैरह लगा के उसमें, वहीं पर जेंट्स लेडीज एक दूसरे को ऐसे भयानक भयानक तरीके से धक्का मारते हैं। मुझे तो इतनी बुरी तरह से धक्का दिया एक औरत ने, इतनी आगे आगे ही हो गई थी मैं तो पूरी। अब बच्चे भी आते हैं, बच्चों को भी बच्चे के साथ इतने धक्का मुक्की करते हैं, ऐसे जोर जोर से जान बुझ के धक्का लगाते हैं। यार कोई बंदा गिर भी सकता हो, गिर वहाँ पे गिर भी गए थे कितने सारे, जब हम नीति कौन सा था, निधिवन में गए थे ना, वहाँ पे भी धक्का मारा था, एक औरत गिर गई, तो मेरा बच्चा भी दब गया था, नन्नू मेरा दब गया था, रोने लग गया। फिर मैंने एक औरत को बड़ा चिल्लाया कि कैसे कर रहे हो, खींचो उसको बोल के, ऐसे मैंने जोर से खींच के इन्होंने निकाला उसको मेरे बेटे को। बहुत धक्का मारते हैं यार वहाँ पे, लाइन नहीं कुछ नहीं, थोड़ी लाइन वाइन भी रख देना चाहिए यार। और 5-5 मिनट के लिए पर्दा, वहाँ गए थे ना हम राधा, कौन सा था वो, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, हाँ राधा वल्लभ मंदिर में गए थे ना,
वहाँ तो थोड़ी थोड़ी देर एक सेकंड में खोल रहे फिर बंद कर रहे हैं, फिर 15-20 मिनट बाद खोल रहे फिर बंद कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे। इतनी भयानक भीड़ हो गई थी, इतना धक्का मार रहे थे, मैं तो मेरे को तो ऐसे लग रहा था सांस ही नहीं आ रही थी मेरी तो। कोई लाइन नहीं लगवाते, कुछ नहीं करते, इतना लूटते हैं ना वहाँ पे। लेकिन अच्छी जगह आपको जाना चाहिए। दुख लग रहा था देख के कि यार कितने गंद मचा रखी इतनी खूबसूरत जगह को। लेकिन वो बहुत अच्छा था, प्रेम मंदिर वो बहुत 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 अच्छा था। इतनी साफ सफाई थी वहाँ पे, बाथरूम भी इतना साफ, इतने लोग आते हैं वहाँ पे भी, कोई कम नहीं आते वहाँ पे भी, हजारों हजार से भी ज्यादा लोग आते हैं ना, लाखों तो आते होंगे ना, इतने आते होंगे नहीं, 10-20 हजार तो आते हैं। 10-20 हजार भी आते भी हैं तो कितनी साफ सफाई है बाथरूम, 10-20 हजार भी अगर बाथरूम जा रहे हैं तो कितनी गंदगी मच जाती है। इतना सफाई, इतनी सफाई, इतनी सफाई। वहाँ पे खाने पीने का भी उन्होंने गलियों में नहीं खोला हुआ ना, उन्होंने दूर किया हुआ है तो बंदर वगैरह नहीं आ रहे वहाँ पे। भाई बहुत साफ सफाई है, इतनी सुंदर जगह है ना प्रेम मंदिर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। इतना शांति, इतना पीसफुल था ना वहाँ पे, मज़ा आ गया मुझे वहाँ पे। मैं मन कर रहा था बैठ ही रहूँ वहाँ, अच्छा लग रहा था, बहुत पीसफुल था वहाँ पे। मुँह में वो एक तो मेरे पास आ गया, कहता है आ जाओ हम आपको दर्शन को आ जाएंगे, आ जाओ सूर्य दिखा देंगे, ट्वेल्व कर लेंगे, ऐसे करके बोल रहा था। मैंने कहा जाके पहले थूक कर आ, मेरे मुंह पे थूक रहा है जाके। मैंने कहा जाके पहले थूक के आओ, वो करके मेरे मुंह के आगे थूक रहा है बोल के बोल दिया, चला गया फिर। मुंह में भर रखा है इतना सारा गंद। मैं तो अपने यहाँ पे भी, अपने दिल्ली में भी, जब मैं मार्केट वगैरह जाती हूँ ना, मुझे दिखता है कि कोई कचरा फेंक रहा है डस्टबिन होने के बाद भी, मैं तो सुना देती हूँ कि डस्टबिन होने के बाद भी। वो हम लोग गए नहीं थे सेंटर मार्केट से, हम छोले कुलचे खा रहे थे, मैं किसको सुना रही थी, वो लेडीज को सुना रही थी मैं। उसने पता क्या किया, जहाँ लोगों ने खा के फेंका ना वहीं खा के फेंक रही है, भाई तेरे सामने डस्टबिन नहीं है। तभी तो मैंने बोला कि भाई ये खा के लोग ऐसे क्यों फेंक देते हैं। बाकी तो मुझे सब कुछ अच्छा लगा, मतलब मेरे को बड़ा मन था कि मैं भी जाके देखूँ वहाँ पे क्या है, मुझे मज़ा आया देखने में। बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो जो मैंने शेयर करी आप लोगों के साथ। मिलती हूँ मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। और आप कहाँ लेके जाओगे उदित? अभी तो पूछना बेकार है, ये मूडी इंसान है इनका, जब तक इनका मूड नहीं आता ना ये, तब तक कहीं नहीं लेके जाते। तो गाइज मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बाय।